हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। तो आज हम बड़ी टेम्पटिंग रेसिपी बनाएंगे जो सबको अच्छी लगती है, अगर आप तीखा नहीं भी खाते फिर भी। मोटी मिर्च का अचार, यानी मिर्चों का भरवा अचार खाना सभी पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को आज हम बड़ी इजीली बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी टेम्पटिंग और चटपटी रेसिपी को। डालते हैं आज हम अचार। अचार डालने की तैयारी के लिए मैंने 1 किलो मिर्च ली है। 1 किलो भावनगरी मिर्चें कहते हैं, कोई मोटी मिर्चें कहते हैं, एलोपिनोज भी कहते हैं, तो उसे थोड़ी कम तीखी होती है और देखने में बड़ी टेस्टी होती है, और ये वैसे स्पाइसी भी कम होती हैं। अचार डालने से पहले आप इन्हें अच्छे से धो लें, और धोने के बाद पोंछ लें। इनमें एक पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी वाली मिर्ची होंगी तो क्या होगा, अचार खराब हो जाएगा। और इसमें आप चीरा लगा लें, क्योंकि हम भरवा अचार बना रहे हैं, तो हम इसमें इस तरह से चीरा लगा लेंगे कि हम इसमें अच्छे से मसाला भर सकें। आप मिर्च में चीरा लगाएं और इन्हें रख दें, आप पूरी मिर्च को ना काटें। अचार के लिए मिर्चें दोस्तों मैंने धोकर काट कर एक तरफ रख दी है। अब हम मसाला देख लेते हैं। हमें इसके लिए चाहिए हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च चाहिए होगी। ये मिर्च वैसे कम तीखी होती है, तो हल्की सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साबुत धनिया चाहिए होगा, और अचार में खट्टेपन के लिए हम डालेंगे राई। ये बारीक वाली राई है दोस्तों, मोटी सरसों ना इस्तेमाल करें आप। इस तरह से बारीक राई जो होती है तड़के के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, वो इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मेथी दाना चाहिए होगा, साथ में चाहिए होगी सौंफ, नींबू और नमक। नमक दोस्तों हम 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। नींबू के भी हम 2 से 4 नींबू, यानी कि 1 से 2 टेबलस्पून नींबू का रस चाहिए होगा। साथ में सौंफ चाहिए होगी, सौंफ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, 4 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून राई, 2 टेबलस्पून धनिया, और थोड़ी सी मिर्च, हल्दी और हींग चाहिए होगी हमें। एक बड़ा ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है सरसों का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल। अचार को हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं और इसी में बनाएंगे। सबसे पहले जो साबुत मसाले हैं उन्हें हम थोड़ा सा पीस लेंगे। आप बारीक ना पीसें, थोड़ा सा दरदरा, मैं थोड़ा मिक्स ही पीसूंगी, थोड़ा बारीक और थोड़ा दरदरा रहेगा। इसी के जार में आप 4 टेबलस्पून सौंफ डालें। इससे क्या है, सौंफ से बड़ा अच्छा बेस भी मिलेगा, खुशबू मिलेगी, और अचार खुशबूदार और अच्छा रहेगा। साथ में हम 1 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे, इतनी काफी रहेगी, और साथ में 1 टेबलस्पून हम मेथी दाना ऐड करेंगे। हम ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे साबुत धनिया। तो साबुत धनिया आधा कप या 3 टेबलस्पून के करीब ऐड कर सकती हैं। इसे भी हम मसालों में साथ ही कूटेंगे। साबुत धनिया से भी अचार के जो मसाले उसमें बहुत अच्छा बेस मिलेगा, खुशबू मिलेगी। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया ऐड कर दिया, और अब मैं इसे अच्छे से दरदरा पीस लूंगी। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो देखिए, मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया, और इसे मैंने एक बड़े खुले बर्तन में निकाल लिया। आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है। अचार में इस तरह से दरदरा मसाला बहुत अच्छा लगता है। अब हम अचार के मसाले में नींबू का रस ऐड करेंगे। आप 2 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस ऐड करें। इससे क्या, अचार प्रिजर्व भी रहेगा और खटाई भी अच्छे से आएगी, खुशबू भी अच्छे से आएगी। मैंने अचार के मसाले में नींबू का 2 टेबलस्पून के करीब रस, या 3 बड़े नींबू निचोड़ दिए हैं अच्छे से। अब दोस्तों इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमारे मसाले हैं, जैसे नमक, मिर्च और हल्दी। अचार में अगर नमक कम हो तो अचार खराब हो जाता है, तो इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ा तेज ही रखें। जैसे कि मैं इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में 1 से 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे हल्दी, और मिर्च दोस्तों थोड़ी सी ऐड करेंगे, जिससे कलर अच्छा आएगा और खुशबू अच्छी आएगी। तो आप आधा टेबल स्पून पिसी हुई मिर्ची ऐड करें, क्योंकि मिर्ची तीखी नहीं होती है, अचार का जो मसाला है उसमें थोड़ा सा तीखापन हमें चाहिए, इसलिए मैंने इसमें मिर्च ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। हींग दोस्तों 2 से 3 टीस्पून आप पिसी हुई हींग ऐड करें, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हींग ऐड करें लास्ट में और अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए हमारा दरदरा सा मसाला रेडी है, क्योंकि इसमें हमने नींबू का रस ऐड किया है। अब दोस्तों हम इसमें हल्का सा तेल मिलाएंगे, लेकिन तेल को पहले गर्म करेंगे। सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल दोस्तों थोड़ा सा तीखापन ये होता है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले आप थोड़ा गर्म कर लें। देखिए मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ पैन में, और इसे गर्म कर लूंगी। मैं 3 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल करूंगी इस अचार में। तो दोस्तों 1 कप तेल हम पहले अच्छे से गर्म करेंगे, उसे अचार के सूखे मसाले में ऐड करेंगे, ताकि जब हम मिर्चों में भरे मसाला तो अच्छे से मिर्चों में चिपक जाए और बहे नहीं। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं अभी इस गर्मा गर्म तेल को ऐड करूंगी सूखे मसाले में, जिससे क्या है मसालों का कच्चापन चला जाएगा। जैसे हींग है या हल्दी है, तो खुशबूदार और अच्छा हो जाएगा। तो इसे आप 1 कप के करीब ऑयल इस मसाले में ऐड करें, और मसाला इस तरीके से हो जाए कि वो जुड़ने लग जाए, जब मिर्च में ऐड करें तो अच्छे से चिपक जाए। मैं सूखे मसालों में 201 कप गर्म तेल ऐड कर चुकी हूँ, और ये 2 कप और गर्म तेल है, इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, और गैस को अब बंद कर दूंगी। दोस्तों इसे मैं इस्तेमाल करूंगी ठंडा करने के बाद। जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाएगा और अचार को हम बर्नी में भर लेंगे, तो इस तेल को हम ऊपर से डालेंगे। तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं और ठंडा होने की वेट करते हैं।
जब तक हम मसाले को मिर्चों में अच्छे से भरेंगे तब तक तेल भी बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। देखिए तेल हमारा जो मसाला कितने अच्छे से रेडी है, आप देख सकती हैं। आप इसे हाथ में उठाएंगे तो जुड़ रहा है, हमें इसी तरह का चाहिए ताकि हम जब मिर्च में इसे भरें तो ये चिपक जाए मिर्च में, तो ये इस तरफ गिरे भी नहीं और एकदम ड्राई भी ना हो और ना ही एकदम से पतला हो। मिर्चों में दोस्तों हमने पहले से चीरा लगा कर रखा हुआ है, तो इसमें हम ये मसाला भर देते हैं। आप 1 से 2 चम्मच भर के मसाला डाल दें इसमें, आप बस ज़्यादा भी ना भरें क्योंकि मसाला भी फूल जाएगा जब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, और बहुत कम भी ना ऐड करें कि खाने में स्वाद ना आए। तो आप 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच आप मसाला मिर्च में अकॉर्डिंगली कि मिर्च कितनी बड़ी है आप अकॉर्डिंगली भर सकती हैं। तो इस तरीके से आप सभी मिर्चों में मसाला आप अच्छे से भर दीजिए। तो देखिए मैंने सभी मिर्चों में मसाला भर लिया अच्छे से, और दोस्तों जो मसाला हमारे पास बच जाता है अचार का उसे हम ऊपर बरनी में, जब हम पहले मिर्चें भरेंगे जिस भी बर्तन में हम अचार डालेंगे पहले बर्तन में मिर्चें भरेंगे ऊपर से मसाला डाल देंगे। आप कोई भी प्लास्टिक का सूखा साफ कंटेनर ले सकती हैं, कांच का कंटेनर ले सकती हैं, तो मैंने प्लास्टिक का लिया है, साफ है ये। इसमें मैंने मिर्चें अच्छे से भर दी हैं और ऊपर मैंने मसाला डाल दिया है। मिर्चें मैंने अच्छे से बरनी में भर दी है, मसाला भी भर दिया है। दोस्तों इस जो हमने मसाले में हमने पहले से ही तेल ऐड किया हुआ है और हमने नींबू का रस ऐड किया है जिससे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ये दोनों चीज़ें, और हमारा इस अचार में तेल ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप तेल ऊपर तक ना भरें, आप इतना तेल डालें कि बरनी में आधा तेल भर जाए। आप बार बार हिला सकती हैं तेल ताकि सब तरफ आ जाए। तो मैंने 2 कप तेल ऊपर से जो हमने पहले गर्म किया था उसे ठंडा कर लिया और ये ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारा अचार अभी से ही बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है और ये 2 घंटे बाद खाने के लिए रेडी भी हो जाएगा। तो देखिए अचार में मैंने ऑयल डाल दिया है, वो हाफ तक आ गया है जितना बरनी में आना चाहिए। अचार को दोस्तों पहले 24 घंटे के लिए आप या तो कपड़ा बांध कर रखें ताकि इसमें हवा पास होती रहे, क्योंकि कोई सिट्रस है कोई गैस बन रही है तो वो साथ के साथ निकल जाए। मैं क्या करूंगी ढक्कन को इस तरह से हल्का सा ऊपर रख दूंगी ताकि ढका भी रहे हवा भी पास होती रहे। आप पहले 24 घंटे ऐसे रखें, बाद में आप ढक्कन को कसकर लगाकर रख सकती हैं। ऐसे करने से अचार बिल्कुल सही रहता है और ज्यादा चलता है। एक दिन बीत चुका है, हमारा अचार बिल्कुल बनकर रेडी है और आप देख भी सकते हैं कि इसमें एक से दो मिर्चें कम है। यह अचार जितना ताज़ा उतना ही अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट अचार है। और घर पर अगर सब्जी पसंद ना आए या यूं भी अचार परांठे के साथ फिर पूड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस उम्मीद के साथ आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसे जरूर डालेंगी और मुझे बताएंगी अचार कैसा बना। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें दोस्तों, सेहतमंद रहें और मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।